भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने एवं करीब 3 वर्ष का एरियर न मिलने के विरोध में सोलन इकाई के कर्मचारियों ने आज सोलन हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्यशाला में गेट मीटिंग की व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें छठे वेतन आयोग का लाभ भी नहीं मिल रहा है, जबकि अन्य विभागों के कर्मचारियों को यह लाभ मिलना शुरू हो गया है। बात करते हुए एचआरटीसी कर्मचारियों के मुखिया जगदीश ठाकुर ने बताया कि सरकार व निगम ने जो भी वायदे उनसे किए थे वह पूरे नहीं किए। आज 12 अप्रैल तक उनको उनके कार्य का मेहनताना नहीं दिया है। वहीं एरियर डीए भी बीते 35 माह से नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार व निगम उनकी मांगे नहीं मानती है, तब तक वह रोजाना काले बिल्ले लगाकर गेट मीटिंग करते रहेंगे। सोलन वर्कशॉप में सभी कर्मचारी एकत्रित होकर जो है हमने अपना रोष प्रदर्शन किया, और जब तक हमारी जो है ये समस्याएं, हमारी जो मांगे हैं, इनका समाधान नहीं होता, हमें वित्तीय लाभ नहीं मिलते, तब तक हमारा जो है संघर्ष जारी रहेगा। और इसके बावजूद यदि सरकार या प्रबंधन हमारी मांगों के बारे में विचार नहीं करता है, तो उसके लिए जो है आगे जो रूपरेखा बनाई जाएगी। हमारी जो है मांगे ये है कि एक तो 35 महीने से चालक परिचालकों को जो है नाइट ओवर टाइम नहीं मिला है। 2018 से हमारे एरियर डीए का है और इंक्रीमेंट का एरियर है, वो नहीं मिला है। और जो छठा वेतन आयोग है, वो विभाग के अन्य जो कर्मचारी हैं उनको जो सरकार ने मार्च पेड अप्रैल जो है वो दे दिया है, लेकिन हमारे एचआरटीसी के कर्मचारियों के लिए इसका कोई भी अभी लाभ नहीं मिला है। हमारी जो है ये समस्याएं, जो हमारी मांगे हैं, ये नहीं पूरी होगी तब तक जो हम काले बिल्ले लगाकर जो है इसी प्रकार गेट मीटिंग करते रहेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।